those are vague allegations, sir. Lordship, they are मैं not क्या out of करूं, the वेग एलिगेशन है तो क्या करेंगे, वो पूरा बताएगी क्या? मतलब नो क्या मजाक है यार, मतलब स्पेसिफिक एलिगेशन है, स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं कि भैया तेरा भविष्य खराब हो जाएगा, सुधर जा, स्टॉकिंग वगैरह का एलिगेशन है। यस लॉर्डशिप, छेड़ने का, हाथ पकड़ने का, ऐसा क्या है? मतलब द एलिगेशन वाज ऑफ ईयर 2020 लॉर्डशिप, लॉर्डशिप एंड विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन दे हैव फाइल्ड द एफआईआर हियर लॉर्डशिप। कौन सा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है एफआईआर के लिए? मतलब व्हाट इज हैपेंड हियर लॉर्डशिप? नहीं, एफआईआर के लिए कानून समझ रहा है, एफआईआर के लिए कौन से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत? मतलब देयर आर फोर एलिगेशंस हैज बीन मेड अगेंस्ट। अरे व्हाटएवर इट इज, यू हैव मेड अ जनरल स्टेटमेंट दैट विदाउट स्टेटमेंट, मतलब विदाउट मेकिंग एनी इन्वेस्टिगेशन द एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड। मतलब इसमें 354 D12 519 भी इसमें हमारे खिलाफ लगाया गया है लॉर्डशिप। एंड योर लॉर्डशिप, द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी आल्सो कॉल्ड द पिटिशनर योर लॉर्डशिप बिफोर देम ऑन 30th of December 2022 योर लॉर्डशिप। द स्टेटमेंट आल्सो वाज टेकन अगेंस्ट अगेंस्ट फ्रॉम हिम योर लॉर्डशिप, बट दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द चालान योर लॉर्डशिप। वो नहीं डिनाई करना चाहते उसको, क्या मतलब करोगे? और दिस इज दैट वाज द नोटिस व्हिच हैज बीन गिवन टू द पिटिशनर लॉर्डशिप, किस चीज का? 160। ठीक है, हो गया, फिर क्या हुआ सर? आपके बयान तो अक्यूज के बयान की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो वो क्यों लगाएंगे सर? मलोड एंड योर लॉर्डशिप, द एलिगेशंस व्हिच हैज बीन मेड बाय लेवल्ड अगेंस्ट द पिटिशनर लॉर्डशिप आर Not to fulfilling the ingredients of the कैसे stalking करने का लिए क्या मतलब है? पीछा करने से sufficient है? और आप उनके Facebook account और फलाने इधर उधर पर request भेजने लगते हैं? मालूम may I read the application or complaint which has been filed by the complainant lordship? मालूम that is at page number 31 your lordship. Challan has been filed by the prosecution agency. Yeah. May I read for your lordship? सविनय निवेदन है कि मैं संजना नथानियल दनिश कुंज कोलार रोड भोपाल की निवासी हूं। मुझे पिछले 4 साल से सुमित प्रताप सिंह हैरेस कर रहा है। मेरे मना करने के बाद भी मैसेज कॉल्स और ईमेल्स कर रहा है, मुझे धमकी भरे मैसेज करता है। मैं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। यह मेरे साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता था, एक क्लासमेट की तरह। मैं कई महीनों में एक बार हम पढ़ाई साथ में करते थे जब एग्जाम चलते थे। कॉलेज के दौरान मैं BMHRC में इंटर्नशिप कर रही थी, वहां आने लगा ये बहाना देखे कि उसे भी इंटर्नशिप करनी है। जब बाद में जब पता चला कि ये सही नहीं, तो मैंने बात करना बंद कर दिया। फिर भी वह मेरे बार बार मना करने के बाद भी आने लगा। मुझे गार्ड को बोलना पड़ा कि इसको अंदर आने मत दो। फिर वह मेरी हर एक्टिविटी फॉलो करने लगा, मुझे लिंक्डइन पर नए अकाउंट से रिक्वेस्ट भेजने लगा। उसका नंबर मैंने 2019 में ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद भी वह मुझे मैसेज और ईमेल्स करता रहा। फिर उसके बाद भी मेरे घर आ गया और मुझे और मेरे घर वालों को वहां से भी भागना पड़ा। 25 नवंबर 2020 को जब मैं BMHRC से वापस आते समय अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट गई, तो वह हमें वहां फॉलो करते हुए पहुंच गया। फिर हमने रेस्टोरेंट में कंप्लेंट करी तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। फिर वहां भी पुलिस वालों ने उसको समझाया, फिर भी नहीं माना। 30 दिसंबर 2020 में उसने मुझे लिंक्डइन के जरिए मुझे किसी से कॉल करवाया और मुझे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बुलाया काउंसलर की जॉब करने के लिए। जैसे ही मुझे पता चला कि यह है तो मैंने 100 डायल करके पुलिस को बुला लिया। वहां पर इसको पुलिस ने और मेरे घर वालों ने समझाया कि लास्ट वार्निंग दी कि इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फ्यूचर खराब होगा। मुझे मेंटली अनस्टेबल लगता है क्योंकि मुझे ईमेल में लिखता है कि ये डिफेंस में काम कर रहा है, दुनिया से मारना चाहता है। इसका बयान पढ़ो 164 का। तो आपने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, एलिगेशन है। आप स्टॉकिंग कर रहे थे, ये तो एलिगेशन है ही है। तो क्या करेंगे, वो पूरा बताएगी क्या? क्या मजाक है यार, नॉट इवन सिंगल विटनेस इज। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। और बोलिए सर, मतलब यू मीन टू से दैट अनलेस एंड अंटिल द कंप्लेनेंट इज कॉरोबोरेटेड बाय द अदर विटनेसेस द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट स्टार्ट, ये कहना चाहते हैं आप? तो कानून बता दीजिए मेरे को यार, एवरीबॉडी नोज द स्कोप ऑफ ज्यूरिसडिक्शन।
मैं क्या कंपैरिजन कर सकता हूँ विटनेसेस को? नो यू नॉट शुड. क्या द स्टेटमेंट ऑफ द गर्ल बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट? दे आर सफिशिएंट. फिर मतलब और ये 2020 का इसने एलिगेशन लगाया है, मलोड 25/11/2020 को आपने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, मलोड राइट? स्पेसिफिक एलिगेशन है, मलोड व्हेन द एफआईआर वाज लॉन्च्ड. मलोड एफआईआर वाज लॉन्च्ड ऑन 3rd of February 2023, लॉर्डशिप. कैन यू से कि दैट इट इज बार्ड बाय टाइम? मलोड व्हाट इज द मिनिमम सेंटेंस फॉर 354 सर? मलोड फॉर 354 1 टू 5 इयर्स. 5 years. My Lord. Please come to section 468 of CRPC. Whether any limitation is provided for the offences where the maximum sentence is 5 years? No. No wonder. Then, specific allegations. Stalking कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं कि भैया तेरा भविष्य खराब हो जाएगा, सुधर जा. उसके बाद भी आप सुधरने को तैयार नहीं है तो FIR हो गई. ऐसा लग रहा है इससे देखने में. Lord, there was some dispute. Whatever, it is your defense, sir, please. My Lord. It is your defense. Even my Lord, the ingredients of 506 and 419 are not... वो तो ट्रायल को अभी चार्जेस नहीं लगे हैं सर. My Lord, अभी चार्जेस नहीं. अभी तो हम क्वेश्चन जब कर ही नहीं सकते हैं तो क्यों क्वेश्चन करेंगे सर? My Lord. आप वो चार्जेस में देखेंगे उसमें क्या होता है? 17090/2024 मैरिज पे सर? My Lord. मैरिज पे? मैरिज पे? Liberty, the application is dismissed as withdrawn.